लेबर कॉलोनी के मामले में कोर्ट में पिटीशन डाला गया है, तो जिस तरीके से आप पूरी तरह से यहाँ पे डटे हुए हैं, पूरी जानकारी ले रहे हैं, क्या मामला आएगा सामने, क्या लगता है क्या मामला आएगा? ऐसा नहीं है, देखो ये लोग एक जमाने से यहाँ पे रह रहे हैं और कोई भी 50-50 साल 40-40 साल लोगों को घर में रहते हो गए, उनको अचानक 2 दिन 4 दिन 8 दिन की नोटिस दे के ऐसे घर नहीं उजाड़ सकते। आज यहाँ हमारी महागाड़ी की सत्ता है, सरकार है, हम यहाँ लोगों को ऐसे उजड़ता हुआ कैसे देख सकते हैं? इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से मीटिंग की है, डिविजनल कमिश्नर साहब से मीटिंग की है, अभी 1 बजे फिर मीटिंग हमारी रखी गई है। आपको इन लोगों को यहाँ से हटाना भी है तो उनको पुनर्वसन उसका होना चाहिए ना, कहाँ बसा सकते हैं, कहाँ बना के दे सकते हैं, इस पर बात होना चाहिए। बातचीत कुछ भी नहीं है, लोगों को विश्वास में नहीं दिए, नोटिस लगा दिया और तोड़ने के लिए सामान भेज दे रहा है, कहाँ तक के है नासिक? इस तरह से थोड़ी होता है, ये कोई तालिबानी सरकार थोड़ी है, आदेश की और डिमोलिशन कर दिया। ये सेकुलर धर्म का मुल्क है, सेकुलर स्टेट है और हमारी अगाड़ी की सरकार है, ऐसा थोड़ी करने देंगे हम। इसके लिए हम यहाँ डट के बैठे हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। पहले बातचीत करो, इसका मसले का हल निकालो। हमने डिवीजन कमिश्नर साहब को भी डिमांड किया है कि जो लोग अलाटेड है उनके लिए आप घर बना कर दीजिए, जो लोग इल्लीगल जमाने से रह रहे उनको भी स्टेट की स्कीम है, प्रधानमंत्री ग्राम घरकुल योजना है, किसी तहत में उनको कहाँ बसाने के बारे में चर्चा करना चाहिए, उनको बसाने की बात करना चाहिए, लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, फिर कोई हरकत नहीं। यहाँ पर कितने रहवासी है? यहाँ 350-350 घर है, इसमें 160 कुछ अलाटेड है, जो 150-160 लोग हैं, बाकी कुछ जो लोग चले गए उन्होंने जो जिनको घर दिया है, जो इलीगल रह रहे हैं वो भी एक ज़माने से यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनका भी पुनर्वसन होना चाहिए। सरकार इसलिए बनाए लेकिन इनका विचार करे ना, इनके बारे में उनको पहले बसाए, उनके घर के मामले में सोचा जाए, फिर इसके ऊपर कोई ना कोई बात होना चाहिए, ये हमारा कहना है। आपका नाम? अब्दुल कदीर मोहम्मद, उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी स्टेट। काय सांगाल तुम्ही, शासनाने आदेश काढलेले पाडापाडीचे लेबर कॉलनी पाडण्याचे? शासनाने रात्री 11:30 हे सार्वजनिक अशी नोटीस लावली आणि ऐन दिवाळीच्या सणावर ही नोटीस लावली, त्याच्यामुळे आमचा संत त्यांनी कडू केलाच, सणाचा गोडवाही राहिला नाही, पुन्हा आणि दहशतीचं माहोल वारदात झालेलं आहे पूर्ण लेबर कॉलनीमध्ये। बीपीचे शुगरचे पेशंट, काही पेशंट ॲडमिट आहे। आता शासनाने धोरण घेतलं, पाडापाडीचं धोरण जरी घेतलेलं आहे, शासनाच्या
जेव्हा बुलडोजर त्यांनी आज तोडायचं सांगितलं होतं, बुलडोजर आलं, आम्ही लोकशाही पद्धतीने संविधानाने जे आम्हाला अधिकार दिले त्या अधिकाराने आम्ही लोकशाही पद्धतीनेच त्याचा विरोध करणार आहे. बुलडोजर जेव्हा येतील त्यावेळेस आमचे लेकरं आणि आम्ही बुलडोजर खाली जाणार. पहिले बुलडोजरने आम्हाला तोडवावं आणि नंतर आमच्या घराला. ह्यामध्ये एक रिपिटेशन कोर्टामध्ये हायकोर्टामध्ये दाखल केलेला आहे, या संबंधात जे आदेश येणार आहे त्याचं तुम्ही पालन करणार आहे? नक्कीच पालन करणार आणि आम्हाला माहिती आम्हाला न्याय मिळणार आहे, कारण की आमची बाजू सत्याची आहे. शासनाने जरी खोटे नाते कागद करून जजमेंट त्यांच्याकडे घेतला असं पण शेवटी सत्य हे सत्यच राहत. यामध्ये शासनाकडून किंवा माननीय कोर्टाकडून काय अपेक्षा असते साहेब? माननीय कोर्टाकडनं आणि उद्धव साहेबांची हीच अपेक्षा आहे की आमच्यासोबत न्याय होईल आणि एवढ्या गरीब दुबळ्या जनतेसोबत साहेब आणि शासन दोन्ही न्याय करतील. आम्हाला आमच्या न्याय संविधानावर विश्वास आहे आणि विश्वास आमचा तो अटूट विश्वास आहे, आमच्यासोबत न्याय होईल. आपलं नाव काय? माझं नाव रेणुका गायकवाड. गणेश चव्हाण आहे का? गणेश चव्हाण गणेश चव्हाण कुठे दिसतोय तो तुला? फोन करायला लागेल मला.